हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम गर्ल आलिया। सो गाइज, आज के वीडियो में करने वाली हूँ मैं माई बेबी बॉय सिम्टम्स थ्योरी प्रेगनेंसी। तो बहुत सारे लोगों का था कॉमेंट कि मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँ बेबी बॉय सिम्टम्स के, जो मैं अपना ऑन एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको ऐसे 5 सिम्टम्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो मैंने फील किया था अपने बेबी बॉय के टाइम पे। और ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल रियल है। मैं कुछ भी इसमें एक मिलावटी सिम्टम्स नहीं बताने वाली हूँ। जो मैंने फील किया है बेबी बॉय के टाइम पे, बस मैं वही सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप लोग प्लीज मेरे चैनल पे बने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये शायद वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए। सबसे पहले हम कोई बेबी को कंसीव किए होते हैं तो हमारे मन में बहुत सी ऐसी धारणा चलती है कि वो जो आने वाला बाबू है या शिशु है, जो भी है, वो एक लड़का है कि लड़की है। इसके पीछे कुछ भी कहते हैं ना, इंटेंशन नहीं होता है गलत, बस हमें जानने की इच्छा होती है, जागरूकता होती है कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि जो भी हमारे घर में पल रहा है वो शिशु क्या है, लड़का है कि लड़की है। कि उसके लिए हम लोग ढेर सारे सपने सजाने लगते हैं, उसके लिए कहते हैं ना शॉपिंग, कपड़े वगैरह। लड़की होगी तो ऐसे कपड़े पहनाएंगे, लड़का होगा तो ऐसे कपड़े पहनाएंगे। बस वही बात हो जाती है कि हर किसी के मन में एक्साइटमेंट एक हो जाती है जानने की, चाहे जिसका बेबी बॉय ही क्यों ना हो, उसके भी मन में एक्साइटमेंट होती है कि अभी इस बार क्या होने वाला है। तो ऐसा इसमें कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं होता है। तो मैं जो सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट सिम्टम्स आपको शेयर करने वाली हूँ। लोग कहते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तो नोजिया, वोमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होती है, नहीं होती है। लड़कियों के टाइम पे वोमिटिंग, नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस होती है, ये लोगों का कहना है जो कहते हैं। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव हुआ था तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया और वोमिटिंग पूरे 4 मंथ तक था, 4 मंथ के लास्ट तक था, चला था। 5th मंथ से मैं अच्छी हुई थी। ऐसे तो मैं बेबी बॉय को कंसीव की हूं तो मुझे फिर वोमिटिंग नहीं होना चाहिए था, नोजिया नहीं होनी चाहिए था, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती होनी चाहिए थी। बट मुझे 4 से लेकर 4.5 मंथ बोली कि मैं 5th मंथ से ठीक हुई थी, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे 4 मंथ तक मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई थी। अगर ये सिम्टम्स बताया जाता है कि बेबी बॉय में नहीं होता है तो ये मेरे केस में बिल्कुल गलत बैठा था, क्योंकि मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई थी और पूरे 4 मंथ तक हुई थी मुझे बेबी बॉय के दौरान मॉर्निंग सिकनेस। सेकेंड थिंग गाइस, कि जब कहते हैं कि हम लोग बेबी बॉय को कंसीव करते हैं तो जो प्लेसेंटा का पोजीशन होता है वो पोस्टीरियर होता है, पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ वो यूट्रस से कनेक्टेड होता है, जिससे हमारे बेबी को सप्लीमेंट मिलता है। और बेबी गर्ल के टाइम जो प्लेसेंटा होता है एंटेरियर होता है। तो क्या ये मेरे केस में सही था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये मेरे केस में बिल्कुल सही था। जो मेरा प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था और मुझे बेबी बॉय हुआ, लेकिन ये हम 100% नहीं कह सकते हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है अभी यहाँ तक कि जिसका पोस्टेरियर होता है उसको बेबी बॉय होता है। क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जिसका प्लेसेंटा पोस्टेरियर हुआ है उसको बेबी गर्ल हुई है, और जिसका एंटेरियर है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों को एंटेरियर में भी बेबी बॉय हुआ है। तो लोग का ऐसा बस कहना है कि पोस्टेरियर है तो प्लेसेंटा तो बेबी बॉय, एंटेरियर है तो बेबी गर्ल, लेकिन मेरे केस में सही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसेंटा पोस्टेरियर होगा तो सबको बेबी बॉय ही होगा, कुछ भी हो सकता है। इंटेरियर में भी बेबी बॉय हो सकता है, पोस्टेरियर में भी बेबी गर्ल हो सकती है। तो ये सारा एक मिथ है, मिथ ही रहने दे, इसका कोई भी अभी प्रूफ नहीं है कि पोस्टेरियर में बॉय होता है और इंटेरियर में गर्ल होता है। तो मैं आपको अपना अल्ट्रासाउंड आपको दिखाई हूँ, आप देख सकते हो कि मेरा भी प्लेसेंटा पोस्टेरियर था लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ। लेकिन ये नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो आपको इंटेरियर में भी बेबी बॉय हो सकता है। जो मेरा 3rd सिम्टम्स था, कहते हैं कि बेबी बॉय के टाइम जो FHR होता है वो 150 से नीचे होता है और बेबी गर्ल के टाइम जो FHR होता है 150 से ऊपर होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई, मैं आपको आपके सामने ये डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ। जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, मेरे पूरे प्रेगनेंसी में जब भी मैंने अपना चेकअप कराया, रूटीन चेकअप कराया, मेरे 3-3 स्कैन हुए थे, लेकिन इसमें किसी में भी मेरे बेबी बॉय का जो हार्ट रेट था 150 से नीचे नहीं आया था। मेरा हर एक स्कैन में जो मेरे बेबी बॉय का FHR था 150 से ऊपर था, 150 से ऊपर, 157 के अंदर था। तो ऐसे में तो मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये गाइज, ये तो बिल्कुल 100% रॉन्ग है। ये हमारे FHR डिपेंड करता है, जब हम मेरा स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उस समय हमारे बेबी कितना ज्यादा एक्टिव है। अगर आपका बेबी उस समय एक्टिव है तो FHR वो हाई दिखाता है। अगर आपके बेबी की कोई भी एक्टिविटी नहीं है आपके पेट में, उस मतलब कहते कोई बच्चे बहुत ज्यादा शांत होते हैं पेट के अंदर, वो शांत है तो FHR हमेशा कम दिखाता है। तो FHR से बेबी बॉय
एफएचआर बेबी गर्ल का कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा एफएचआर बेबी बॉय का 150 से हमेशा ऊपर रहा, तो इसका मतलब मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए, तो पर मुझे बेबी बॉय हुआ और आपको मेरा अल्ट्रासाउंड आपको बगल में लगा दी। अब देख सकते हो कि मेरे बेबी बॉय का एफएचआर हमेशा 153, 154, 157 बीपीएम पर मिनट रहता था, तो मेरे केस में ये बिल्कुल रॉन्ग हुआ। मेरा एफएचआर 150 से ऊपर था और मुझे बेबी बॉय हुआ। और ये जरूरी नहीं कि एफएचआर मतलब बहुत कम होते बेबी बॉय, बहुत लोगों का एफएचआर कम में भी बेबी गर्ल होती है, ये मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। मेरा फोर्थ सिम्टम से गाइज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। कहते हैं अगर बेबी बॉय को कंसीव किए हो तो आपको सिर्फ चटपटा खाने को मन करेगा, तीखा खाने को मन करेगा, मीठा बिल्कुल आप नहीं खाओगे। अगर आप बेबी गर्ल को कंसीव किए हो तो आपको स्वीट डिशेस बहुत ज्यादा पसंद आती है, लड़के बहुत ज्यादा स्वीट होती है। क्या इसमें कितनी % सच्चाई है? तो इसमें मैं आपको बताऊं, जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मैं सिर्फ तीखा चटपटा खाती थी, सिर्फ मैं कुछ चटपटा तीखा, उतना मुझे अलाउ नहीं था, मेरे हस्बैंड बाहर से मुझे लेकर नहीं देते थे, फिर भी मैं घर में कुछ ना कुछ बना के चटपटा खाती रहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बेबी बॉय को मैंने कंसीव किया था इसलिए मैंने चटपटा खाती थी, क्योंकि गाइज हम लोग की बॉडी में हार्मोन्स जो होती है चेंजिंग होती है, हार्मोन्स के बदलाव के कारण हमें जो भी हमारे बॉडी में परिवर्तन होता है ड्यू टू हार्मोन्स होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खट्टा खाती थी तीखा खाती थी तो ही मुझे बेबी बॉय हुआ है। बहुत लोग के केस में आप देखना कि लोग कहते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम बहुत लोगों को खट्टा तीखा खाने का मन करता है, बेबी बॉय के टाइम स्वीट खाने का मन करता, मतलब बहुत सारे लोग आधे लोग ऐसे भी कहते हैं आधे लोग ऐसे भी कहते हैं। तो मैंने हाँ मैंने चटपटा तीखा खाया था, अपने घर में खुद से बना के खाती थी, मुझे बाहर कहता परमिशन नहीं था कि मैं खाना, बस मैं डिमांड जरूर करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी में इतनी भी चीजें नहीं खाने चाहिए खट्टा जिससे बेबी का गलत इफेक्ट आए, तो मैं खाती थी। इसका मतलब ये नहीं मुझे बेबी बॉय हुआ है, ये मेरे बॉडी पर डिपेंड था। उस समय आपका फूड क्रेविंग क्या, आपका मूड स्विंग क्या है, उसके अनुसार आप में हार्मोन्स के चेंजिंग के कारण आपकी बॉडी में परिवर्तन होती है। तो मेरे साथ ये सही था, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे में ये सही बैठा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार मैं बोलती हूँ कि ये बेबी बॉय है कि इसलिए मेरे को बेबी बॉय हुआ, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। जो मेरा फिफ्थ सिम्टम से गाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप बेबी बॉय को कंसीव करोगे तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर एनर्जी रहेगी, एनर्जेटिक रहोगे, मतलब आप थकावट आपको नहीं होगी। इस बात में कितनी सच्चाई मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ। जब मैंने बेबी गर्ल के टाइम बेबी गर्ल को कंसीव किया तो मैं बहुत ज्यादा सुस्त रहती थी, बहुत ज्यादा सोती थी, बस मुझे सोना 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 सोना, कहीं भी पड़ी रहो सो जाओ, कहीं भी पड़ी रहो सो जाओ, मुझे ना खाने से मतलब रहता ना पीने से मतलब रहता, सिर्फ सोती थी मैं, कोई काम नहीं करती थी सोना। जब मेरा 7-8 मंथ लगा था तो ही मैं थोड़ा बहुत मतलब उठती थी या थोड़ा बहुत बैठती थी। जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मैं बोल सकती हूँ 4 महीने तक मुझे मॉर्निंग सिकनेस चली थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लेजीनेस फील हुई है, मैं एक्टिव नहीं हूँ। मैं बेबी बॉय जब मेरे 8 और 9 मंथ तक मैं अपने बेबी बॉय के टाइम पे काम की, पूरी रात जगती थी, मुझे नींद भी नहीं आती थी। और मेरे को अब बोल दोगे कि अब तुम जाओ मार्केट से कुछ चीजें लेकर आओ तो मैं चली जाती थी, उसके साथ साथ घर का काम भी कर लेती थी। मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी, बहुत ज्यादा मेरे अंदर एक्टिविटी थी, मैं बिल्कुल नहीं थकती थी, मुझे लगता था मैं तो थकी नहीं हूं, मैं तो कुछ हुआ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक रहती थी। तो मेरे केस में तो बिल्कुल सही बैठा कि मैं बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ ये सही हो, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप बेबी बॉय को कंसीव किए हो तो आपके अंदर जो एक्टिविटी वो कम दिखे, और अब बेबी गर्ल के टाइम जब कंसीव किया हो तो एक्टिविटी ज्यादा दिखे। तो ये सारे सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, 100% रियल सिम्टम्स शेयर किया, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा बातें बोले, जो मेरे बेबी बॉय के टाइम था मेरे वही सिम्टम्स आप लोग का शेयर किया है। तो बहुत लोगों का था तो मैं आप लोग बहुत लोग अब मेरा अल्ट्रासाउंड मैंने रिपोर्ट भी दिखा दिया कि प्लेसेंटा पोजिशन एफएचआर सब कुछ नहीं होता है, ये सारे एक मीथ है, कहते हैं बार बार सब मीथ है, और देखो मीथ है, अगर ऐसा होता तो मेरे भी एफएचआर बेबी बॉय का कम होता तो, लेकिन नहीं है ज्यादा, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ। तो आई होप बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे एफएचआर से, प्लेसेंटा पोजीशन से, फूड क्रेविंग से। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच करके और वीडियो को भी अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बहुत ये वीडियो जो लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि एफएचआर और ये सबसे ही बेबी बॉय बेबी गर्ल का हम लोग पता लगा सकते, तो बहुत लोगों की डाउट क्लियर हम कर सकते हैं गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।